नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम कैसे, अगर हमारी रैम ख़राब हो जाती है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ये जो रैम पड़ी है, ये जो रैम है ये आपके सामने है, DDR2 है, चाहे DDR3 हो, चाहे कोई भी हो। आपके कंप्यूटर की अगर बाई चांस रैम ख़राब हो जाती है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो बोतल आपको दिख रही है पानी की, इसको कहते हैं आइसोप्रोफाइल अल्कोहल। अगर आपके पास ऐसी बोतल पड़ी है, इसको आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ये लिक्विड होता है, आप जैसे आपके मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको धो सकते हैं। तो इसको कैसे धोते हैं, हमने क्या करना है, इस बुरश में ये डालना है लिक्विड को, उसके बाद हमने इससे रैम को साफ करना है। आप देखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें आपने क्या करना है, थोड़ी देर इसके ऊपर ये गीलापन कर देना है, या आप ऐसे ही, नहीं तो आप इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं लिक्विड को। फिर आपने इसको थोड़ी देर रहने देना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर आ जाता है ये मॉइस्चर को साफ करता है। जैसे हमारे बरसात का मौसम होता है, ये सर्दी का मौसम होता है, मॉइस्चर जो होता है बहुत जल्दी आता है। उसके बाद आपने दोनों तरफ करना है इसको, और इसके बाद क्या करना है, कैसे साफ करना है इसको, आपने एक कपड़ा लेना है, या रुमाल लेना है, या कागज लेना है, और या तो रुई लेनी है, रुई होती है, जैसे इससे इसको ऐसे साफ करते हैं। जैसे हमने इसको अब इससे करना है ऐसे, इससे क्या होता है कि जैसे आप देखोगे इसके ऊपर डस्ट थी, तो इससे डस्ट साफ होती है, ये बिल्कुल साफ हो गई है। तो इसके बाद ये चल जाती है, तो समझ लो कि जो आपकी प्रॉब्लम थी रैम को साफ करने से ठीक होगी। अगर नहीं चलती है तो इसका अर्थ है कि ये ख़राब हो गई है, तो इसको आपने फेंक देना है। ये रिपेयर नहीं होती है, रिपेयर करवाने लोग कहते हैं कि रिपेयर कर देंगे, मगर रिपेयर से क्या होता है कि एक महीना चल जाएगी, दो महीने चले, फिर ये ख़राब हो जाएगी, फिर आपके लिए आपका हो सकता है ये मदरबोर्ड भी ख़राब कर दे। तो दोस्तों, जो लोग सीख रहे हैं या जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मार्केट में करते 15 साल हो गया काम को। तो मैं चाहता हूं कि जो मैं वीडियो बनाता हूं वो किसी भी, जो मेरी वीडियो सुनेगा या वीडियो के ऊपर अमल करके वो उसको करता है, तो वो 100% अपनी चीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकता है। अगर वो क्लियर नहीं सुनता है, छोड़ देता है बीच में, तो हो सकता है कि आपका जो है मदरबोर्ड ख़राब हो जाए। तो दोस्तों, कोई भी वीडियो है ध्यान से सुननी है और ध्यान से समझना है क्या कह रहा हूँ। उसके बाद रैम चाहे लैपटॉप की हो चाहे डेस्कटॉप की हो, साफ़ करने का तरीका एक ही है। आपने क्या करना है, इसको जब तक नहीं लगाना है जब तक ये सूख ना जाए। इसके बाद आपने इसको पंखा चलाना है, पंखे से सूख जाए, आपको लगता है गीली है, तो उसको जब तक सूखने से पहले इसको लगाना, या तो आप धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि हम अपनी रैम को, या हमारे कंप्यूटर में बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, रिस्टार्ट होने की प्रॉब्लम ये भी होती है, या तो आपकी रैम ख़राब हो रही है, और प्लस अगर रैम ख़राब हो रही है तो साफ करके ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में हमने कुछ सीखा है और कुछ हमें सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आपको इससे भी अच्छी से अच्छी टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा, और जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद, जय भारत।